और अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि इस बने गठबंधन में किस पार्टी के पास कितनी सीटें रहेंगी। तो ये सब भी दिनांक 4 जनवरी को दिल्ली में ही फाइनल कर लिया गया है, जिसकी संक्षेप में जानकारी इस प्रकार से है। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से बीएसपी 38 लोकसभा की सीटों पर और एसपी 38 लोकसभा की सीटों पर मिलकर ये चुनाव लड़ेगी। और 2 लोकसभा की सीटें हमने अभी 1-2 और पार्टियों के लिए छोड़ दी है। इनके अलावा 2 और शेष बची सीटें अर्थात अमेठी व रायबरेली, ये दोनों लोकसभा की सीटें हमने कांग्रेस पार्टी के साथ बिना कोई गठबंधन किए हुए ही इस पार्टी के लिए छोड़ दिए हैं, ताकि बीजेपी के लोग इन दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी की संरक्षक व इनके अध्यक्ष को भी यहाँ अध्यक्ष को भी यही उलझाकर ना रख सके।